Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार चुनाव के नतीजों ने जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, उसके बाद से सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार में अभी सियासी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी पार्टी के पास दूसरे दल के लोग फ़ोन कर रहे हैं और गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी हमें तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। दानिश रिजवान ने कहा कि विपक्ष के कई हमारे मित्र गठबंधन को लेकर मुझे फ़ोन कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी कीमत पर एनडीए का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमारे नेता जीतनराम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में थी। हम उनके साथ थे, जब तक प्राण है तब तक उनके साथ ही रहेंगे। बता दें कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतनराम मांझी गुरुवार को अपने 4 सदस्यीय विधायक दल के नेता चुने गए हैं। मांझी की आवाज़ पहुंचे हम के सभी निर्वाचित विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर हम के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मांझी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मांझी निर्वर्तमान विधानसभा में हम के अकेले विधायक हैं। हम विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मांझी ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों को राज्य की प्रगति के लिए राजग में शामिल होने की सलाह दी है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जहां तक मेरा मानना है तो हम कहेंगे कि कांग्रेस के विधायक विचार करें और नीतीश जी के साथ आ जाएं। इसके साथ ही एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जीतनराम मांझी को फ़ोन किया था, फ़ोन करके समर्थन मांगने की दावा भी किया था। ऐसी खबरें भी मीडिया में चल रही हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।